आज हमारे पास आई है एमजी ग्लोस्टर। हम इसका डोर हैंडल रिपेयर करने वाले हैं, तो हम आपको दिखाते हैं इसका डोर हैंडल कौन सा टूटा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डोर टूटा हुआ है, तो ये रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसका ये डोर पैड खोलेंगे, उसके बाद इसको खोल के रिपेयर करेंगे। हमने इसका डोर पैड निकाल दिया है। डोर पैड निकालने के लिए इसमें नीचे स्क्रू आता है और इधर एक स्क्रू आता है और इधर एक स्क्रू आता है अंदर, और निकालने के बाद डोर पैड खींचेंगे तो इसमें प्रेसिंग क्लिप दिया है, बाहर आ जाता है। हमने ये लॉक बिठा दिया है, ये हैंडल पूरी तरीके से बिठा दिया है। अब इसका कवर लगाना है, एक कवर का ये वाला लॉक टूटा है, उसको हम रिपेयर करेंगे। हमने इसका प्लास्टिक कवर निकाल दिया है, ये देख सकते हैं अंदर का कपलर भी निकाल दिया है। ये वाला इधर लॉक में बिठाना होता है हैंडल को, ये लॉक यहाँ से निकल चुका था, बाकी आप देख सकते हैं अंदर का पूरा बिठा दिया हमने। देख सकते हैं आप एकदम प्रॉपर हमने बिठा दिया इसको, ये अगर निकल जाए तो इसको आगे बस ढकेलना होता है इस प्रकार से। प्रॉपर बैठ चुका है। अब हम इसमें सीलेंट लगा के इसका क्रोम कवर लगा देंगे जिसका एक लॉक टूटा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, हम पुट्टा लगाने जा रहे हैं। डोर पैड हमने पूरी तरीके से फंसा दिया है। अब हम इसका एक और ये तीन स्क्रू लगाएंगे, हमारा डोर पैड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बोलेगा हमने डोर पैड प्रॉपर एकदम लगा दिया है। इसमें तीन स्क्रू आता है, हमने तीन स्क्रू भी प्रॉपर फिट कर दिया है। एक ये स्क्रू आता है, एक इधर आता है अंदर, और दूसरा इधर आरसी लीवर के इधर। हमारा डोर पैड लग के एकदम प्रॉपर फिक्स हो गया है। हमने डोर हैंडल भी फिट कर दिया है और इसको प्रॉपर सीलेंट लगा के इसको चिपका के रखा है। देख सकते हैं इसमें टेपिंग भी लगाया है ताकि वो चिपक जाए। अब इसको हम एक दो घंटा बाद, कम से कम दो घंटे बाद इसको निकालेंगे ताकि प्रॉपर सूख जाए। और डोर हैंडल हमारा इधर से निकल गया था, हमने इसको प्रॉपर भी बिठाया। इसको बिठाने के लिए सिर्फ आपको आगे की तरफ इसको ढकेलना होता है। इसमें डोर हैंडल का लॉक रहता है, उसको पकड़ के इसको ढकेलेंगे, प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। और इसको हमने चिपका दिया है, इसको दो घंटा बाद निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी कॉस्टली है, इसके लिए कस्टमर ने बोला कुछ जुगाड़ कीजिए, तो हमने अपना देसी जुगाड़ लगाया इसमें। तो हमने इसका फाइनली देखिए इसका टेप, हमने इसको पूरा सीलेंट से चिपका के रखा था और इसके ऊपर टेप भी मार के रखा था, तो हमारा तीन चार घंटा हो गया है। हमने इसका टेप भी निकाल दिया है, ये हमारा पूरा प्रॉपर पूरी तरह से देखिए चिपक भी चुका है। ये देखिए थोड़ा भी खींचने से थोड़ा हिलता नहीं है। ये हमारा देखिए डोर भी लॉक अनलॉक बराबर हो जाए। देखिए पहले क्या था, ये निकल जाने के कारण की वजह से हैंडल जो है बाहर आ जा रहा था, इसके लिए हमने इसको, ये क्या है फ्रेंड, बहुत महंगा पार्ट है, 15,000 का पार्ट है, एएमजी गाड़ी का है, 15,000 रुपये का हैंडल है, और मिल भी नहीं रहा था, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था। तो हमारे कस्टमर जी ने बोला कि उसे कुछ करके दीजिए, तो हमने ये दिमाग लगाकर उसको सीलेंट के पूरे प्रॉपर तरीके से चिपका दिया, इसको चेक मार दिया, तीन चार घंटे के लिए छोड़ दिया है, तो प्रॉपर हमारा चिपक चुका है। जैसे हमारा डोर भी अनलॉक हो रहा है एकदम बराबर से, हमारा हैंडल भी बाहर नहीं आ रहा है। ये हमारा वीडियो था हैंडल रिपेयरिंग का। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।